अपन निकल रहे हैं, आई मीन नॉर्थ ईस्ट ट्रिप के लिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं, दो बैग निकाल के रखा था, तीसरा बैग हो गया। So good afternoon guys, you are watching Toll Free Traveler 2 and today's video is just about to alert our YouTuber viewers and YouTuber friends about some scam. So आपको thumbnail देख के तो पता ही चल गया कि आज का video मुझे हमारा क्या होने वाला है। तो actually हम लोगों को ना expectation नहीं था, means दो दिन से हम लोग actually we are in shock कि ये क्या हुआ। सो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि वी आर रेगुलर व्यूअर ऑफ विकास दयाल वीडियो एक्सप्लोर द अनसीन। सो जस्ट लाइक अ डेली सोप की तरह हम लोग ये वीडियो रेगुलर देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। सो लास्ट आई थिंक 8th को क्या हुआ, हम लोग देख रहे थे रात को और ही इज टेलिंग अबाउट दैट अरुणाचल ट्रिप मिस्टर विकास दयाल जाना चाहते हैं और अरुणाचल ट्रिप के लिए हम भी कुछ प्लान कर रहे थे, वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर अरुणाचल ट्रिप। तो इसके हिसाब से वे जस्ट टेक्स्ट हिम के हम लोग भी आपको आपके साथ जाना चाहते हैं, सो कैन यू अलाउ अस टू जॉइन विथ यू। अब करके ऐसे हम छोड़ दिए और रात को हम लोग शुरू खाना खाए कुछ सो गए। सो उसके बाद अगले दिन एक ट्विस्ट हुआ हमारे साथ। मॉर्निंग को वी गॉट अ मैसेज फ्रॉम एक्सप्लोर द अनसीन 2 एंड वी थिंक मिस्टर विकास दयाल ने हमको मैसेज किया, दैट इज वेरी बिग थिंग क्योंकि वी आर द रेगुलर व्यूअर ऑफ हिज यूट्यूब चैनल। सो एंड ही जस्ट रोट अस के हम आप टेलीग्राम में आइए, मैं आई एम यूजिंग टेलीग्राम, सो आप टेलीग्राम में आइए, आपके साथ बात करना चाहते हैं। वी थॉट कि इट्स रिगार्डिंग आवर व्हाट वी हैव जस्ट हम लोग पूछे थे कि आप अगर हम लोग को लेना चाहते हैं आपके टीम में, तो वी आर जस्ट वेरी हैप्पी। एंड वेट आई एम नॉट अ टेलीग्राम यूजर, मैं टेलीग्राम यूज नहीं करती, मैं टेलीग्राम यूजर नहीं हूँ। तो आई हैव इंस्टॉल द ऐप एंड ऐप इंस्टॉल करने के बाद जो बातचीत शुरू हुआ, तो ही इज शोइंग टू मच ग्रेटिट्यूड टू his viewer and all his well-wishers के हम लोग को बोला thanks for the watching, आप लोग इतना हम लोग को support करते हैं इसलिए हम लोग है ये वो बहुत सारे बात करने लगे। तो हम लोग सर actually we are very इतना खुश हुआ कि अरे क्या बोल रहे हैं, बस चलो ठीक है अच्छा ही लग रहा था। एंड what he wrote actually face to face तो कुछ बात नहीं हो रहा था, टेलीग्राम में मैसेज send him message and he also send us a message, तो ऐसे ही हो रहा था। तो और जब टेलीग्राम हमने आपको वो इंस्टॉल किया उसके बाद एक्सपोर्ट द अनसीन 2 का लोगो भी वहाँ पे था, वो लोगो भी था और उस वहाँ से ही मैसेज आ रहा था, ठीक है। तो हमने सोचा था ठीक है वही कर रहा है, नो इशू। तो बातचीत जब हम लोग का हो रहा था, सडनली ही टोल्ड मी कि आई वॉन्ट टू गिव अ गिफ्ट यू। मैंने सोचा क्या गिफ्ट देना चाहते हो, व्हाट इज द थिंग, दैट समथिंग दैट इज आईफोन 13 प्रो मैक्स। कैन यू इमेजिन आईफोन 13 प्रो मैक्स देना चाहते हैं एज अ गिफ्ट। सो आई थॉट अरे भाई मैं क्या सुन रही हूँ, ठीक है चलो आईफोन 13 मैक्स प्रो देना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ही शो मी अ बॉक्स, दैट बॉक्स में जो ओपन वो आईफोन अंदर ओपन था तो वो बॉक्स मुझे दिखाया गया। And I was more than happy and I thought that it was a giveaway. Actually, celeb लोग ये करता रहता है, अगर fans को followers को देते रहता है। I thought he is a celebrity now, so ऐसे ही हम लोग को gift offer करना चाहते हैं। But actually, we are more need to get a gift means than उसे trip में join करने के लिए हम लोग we are more need. So ठीक है, iPhone 13 Pro Max मिल रहा है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकता है। In the next message, he sent me another Telegram user contacts, Mr. Williams, and he's a FedEx agent. He said that he's a FedEx agent. So I thought that okay, FedEx agent, FedEx is a very popular courier service. So chalo, dekh lete hai kya hai. And when I contacted Mr. William, he told me that proof दिखाइए कि मिस्टर दयाल के साथ आपका बात हुआ एंड दैट वी टुक अ स्क्रीनशॉट एंड मैंने उसको टेलीग्राम में उसको भेजा कि देखिए ये कन्वर्सेशन मेरा हुआ है।
एंड सडनली ही सेड कि वाओ यू आर द लकीएस्ट वन, आपको 13 प्रो मैक्स मिल रहा है फ्रॉम द सेलिब्रिटी, इट्स वेरी गुड. तो मैंने सोचा चलो अच्छा ही बात है, एंड बात जो टेलीग्राम में हो रहा है तो तब भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ इशू होने वाला है. तो जब बोला लकीएस्ट वन और आपको ये 13 प्रो मैक्स मिलेगा, बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट, क्या करना पड़ेगा बोलिए. तो बोल रहे कि ये कुरियर आपको हम भेजेंगे, बट यू हैव सम प्रोसीड्योर, ये प्रोसीड्योर आपको फॉलो करना है एंड देन यू कैन गेट इट. और यहाँ से शुरू होता है ट्विस्ट एंड टर्न्स जो स्टार्ट हुआ. तो क्या बताया, इट्स एक्चुअली आई एम रियली इन शॉक, अभी तक मैं शॉक में हूँ कि ये क्या हुआ हमारे साथ. स्कैम भी हो सकते पर इतना बड़ा, विच इज कैंट इमेजिन क्या हुआ. तो जो अभी है, नाउ ही टोल्ड मी अबाउट द पेमेंट एंड पेमेंट मेथड कि हमें क्या करना है. तो उन्होंने बोला कि देखिए अगर आपको ये आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना है तो आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम लोग के पास दो पेमेंट ऑप्शन है, एक है 2500 का और एक 3500 का, आप कौन ले, कौन सा लेंगे. पेमेंट मेथड भी दो तरह का होता है, मैंने सुना नहीं, क्योंकि अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट में आपको खुद भेजना है तो एक ही रहता है, और डिपेंड करता है आपका जब कुरियर सर्विस अलग सा हो तो आपका जो प्राइस है वो वैरी करता है, पर नहीं तो ऐसा करता नहीं जो मुझे ये पता है, मे भी हो सकता है. चलो ठीक है, तो मैंने सोचा कि ठीक है 2500 वाला ही हम ले लेते हैं, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं, पहचानती नहीं, टेलीग्राम में बात हुआ तो I just want to take a risk actually. तो मैंने ठीक है चलो 2500 का जो है वो मैं करती हूँ. तो I wanted to COD. आप मुझे देंगे और मैं आपको COD करूँगी. And then he told me कि नहीं COD नहीं हो सकता है, only UPI you can do. UPI, GPay, Google Pay जो होता है ये आप कर सकते हैं, हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं करेंगे. और उसी जगह से मुझे कुछ डाउट्स होने लगा कि what is this? क्योंकि देखिए हम लोग बहुत सारे ये स्कैम के बारे में, फोन फ्रॉड के बारे में, बैंक स्कैम के बारे में तो सुनते ही आ रहे हैं रेगुलर. तो उसके हिसाब से वी आर ऑल मच अवेयर अबाउट द थिंग्स. तो जब कोई भी बोलता है ना कि आपको ओनली यूपीआई में ही करना है, ऐसे करना है, तो यू ऑल शुड अवेयर अबाउट इट एंड आप लोग को देखना चाहिए. तो ये मेरा दिमाग में था, हमें चलो कि 2500 का जो पैक हमने चूज किया तो उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे. एंड ही जस्ट देन इंसिस्ट मी कि मैं आपको यूपीआई नंबर सेंड करती हूँ, आप उसी यूपीआई में. एंड नाउ हियर इज द कैच. तो समथिंग स्टक ऑन माय माइंड कि ये क्या हो रहा है जो मैंने बोला. तो फर्स्ट से लास्ट तक हमने जो कन्वर्सेशन हुआ वो मैंने एकदम रीड किया कि क्या हुआ ये. एक्चुअली मैं खुद को बिलीव नहीं कर पा रही थी तब तक कि इतना इजीली मुझे एक आईफोन मिल रहा है. तो जो कन्वर्सेशन मेरा हुआ उनके साथ, तो वो कन्वर्सेशन मैंने पूरा रीड किया. एंड देन आई फाउंड सम डिस्क्रिपेंसीज. डिस्क्रिपेंसीज मतलब जो इतना छोटा छोटा है ना, वो आप भी क्या मिस्टर दयाल भी नहीं समझ पाएगा. लाइक फर्स्ट तो बात हुआ जो है, क्योंकि अगर मिस्टर दयाल हम लोग के साथ बात करता तो इतना डेफिनेटली ही इज अ काइंड हार्टेड, पर उतना हम्बल होके नहीं करता कोई, जैसे मीन्स जो कन्वर्सेशन जो कर रहा था आदमी वो उतना हम्बल होके हम लोग को बोल रहा था. अरे ठीक है चलो ही इज अ हम्बल गाय, दैट इज ओके. और उसके बाद जो है उनका लोगो, विच चेक द लोगो के लोगो क्या सेम है, ऐसा हो सकता है. एंड देन अगेन we found that the logo is actually different from Explorer Vansin ka jo logo hai, us logo se different hai. Bahut changes hai jo maine bataya, Mr. Dayal bhi nahi samajh payega shayad, par haan wo to samajh hi jayega jo bhi ho. And kya kya maine payment nahi bheja and mujhe bhi thoda bahut kuch ideas aaya, aur ek cheez humne kiya chhota sa. I did some clever thing. तो मैंने पेमेंट नहीं भेजा उनको, और उनको एक स्क्रीनशॉट भेजा जीपे का जो फोटोशॉप में किया हुआ है. That's where it goes to me definitely.
तो फोटोशॉप करके एक जी पे का स्क्रीनशॉट मैंने उनको भेजा टेलीग्राम में, एंड भेजने के बाद मैंने उनको फिर लिखा कि हाँ मैंने भेज दिया है, एंड यू जस्ट कंफर्म मी एंड सेंड मी द गिफ्ट. और वो स्क्रीनशॉट मैंने मिस्टर दयाल के साथ भी शेयर किया कि आई ऑलरेडी सेंड दिस अमाउंट टू यू. तो और उसके बाद ही टूक्स दैट फेडेक्स गाय मिस्टर विलियम टूक 2 hours टू रिकॉग्नाइज ओनली कि वो फेक है. तो मैंने बोला देखिए आपको मिला है कि नहीं, मिला है कि नहीं, पर वो ये समझ भी नहीं पाया कि ये फेक और वाट एवर जो भी है. तो डेफिनेटली ये पाएगा भी नहीं उसके, इसलिए हमने भेजा. सो ऑल दिस हैपेंड इन 10th आफ्टरनून सेशन. सो तब हम आई वॉज इन ऑफिस, ऑफिस में थे और उसके बीच ही मेरा ये बातचीत उनके साथ हो रहा था. तो मैंने बोला कि आप कन्फर्म कीजिए आपको पेमेंट मिला है कि नहीं, पर उन्होंने फिर बोला कि आप जीपे का जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मुझे भेजिए. तो मैंने बोला क्यों आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भेजिए, आपको तो स्क्रीनशॉट भेजिए. बोले नहीं आप भेजिए, आपको भेजना है. ठीक है चलिए आपको वो भी भेजते हैं. तो फिर हमने वो स्क्रीनशॉट फोटोशॉप में करके भेजा उनको, एंड वहाँ पे जो चालाकी हमने किया तो स्क्रीनशॉट भेजने के बाद उसको समझ में आया कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, पर ही टुक टाइम, बहुत टाइम लगा दिया समझने के लिए, सोचने के लिए. और क्या बताए, और कंटिन्यू कॉल कर रहा था, नेगोशिएशन कर रहा था, नहीं आया पेमेंट, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए क्या कीजिए, पेमेंट आएगा कैसे, पेमेंट मैंने दिया ही नहीं तो पेमेंट आएगा कैसे. उसके बाद शायद 4:30 बजे इवनिंग को ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड के देखिए हाँ आपका पेमेंट आ गया है. चलो मेरा पेमेंट भी आ गया है, ये कैसे बात हुआ, चलो पेमेंट आ गया है. मैम आई हैव रिसीव्ड योर पेमेंट. चलो पेमेंट भी रिसीव हो गया, अच्छा बात है. एंड वन थिंग कि मिस्टर दयाल के साथ भी साइमल्टेनियसली मैं बात कर रहा था एंड ही ऑल्सो कन्फर्म मी दैट मिस्टर दयाल फेक आईडी और मिस्टर दयाल वट एवर आई डोंट नो, ही ऑल्सो कन्फर्म मी ओके ओके नो इशू, यू जस्ट मेक अ पेमेंट, आप पेमेंट कर दीजिए कोई इशू नहीं होगा, ही इज द जेन्युइन गाय, आपको मिल जाएगा मेरा गिफ्ट. नो ओके नो इशू. पर अंदर ही अंदर मीन्स मुझे समझ में आ गया था दिस इज अ स्कैम एंड अ ह्यूज स्कैम, ये जिसमें 2-3 पार्टी इन्वॉल्व है, कोई अकेला नहीं कर रहा है, वट एवर. तो उसके बाद उसके साथ भी कन्फर्मेशन हुआ और बोला कि आपको फिर कस्टम सर्विस पे करना पड़ेगा. कस्टम का क्या पेमेंट, कस्टम का क्या पे करना पड़ेगा, आपको कस्टम चार्जेस कुछ पे करना पड़ेगा टू गेट योर गिफ्ट, कितना पे करना पड़ेगा बोलिए. तो बोले आपको नहीं, आपको मिनिमम 2000 rupees पे करना पड़ेगा फॉर दैट. 2000 rupees एक मैंने आपको 2500 दे दिया और यू कन्फर्म मी के यू हैव रिसीव माई पेमेंट एंड फिर मुझे 2000 देना पड़ेगा, यू शुड टोल्ड मी अर्लियर कि मुझे देना है. बोले नहीं आपको ये देना पड़ेगा देन यू विल गेट इट. चलो पिछला अमाउंट नहीं मिला इसलिए ये बोल रहा है कि फिर 2002, अच्छा 2000 देना है. एंड सारा दिन के ये बातचीत के बाद ये एक्चुअली आई वाज मेंटली शॉक्ड एंड टायर्ड कि भाई चलो भाई ये इसको खत्म करते हैं. व्हेनेवर आई जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि ये टोटल स्कैम ही है तो मुझे क्यों करना है, तो मैं स्टॉप करना चाहती थी वहां पर ही. पर दैट गाइज वो कंटिन्यू मुझे टेलीग्राम पे मिस कॉल दे रहा था, कॉल कर रहा था, सेंड द अमाउंट, जस्ट इंसिस्ट मी एक्चुअली, इंसिस्ट कर रहा था कि अमाउंट भेजिए भेजिए. और पता है रात 9:30 तक भी ये हुआ. तो सारा दिन की ये खिचखिचाई के बाद फाइनली आई डिसाइड दैट मुझे पेमेंट तो करना ही नहीं है और मैं टेलीग्राम जो मैं ऐप डाउनलोड किया था मेरे मोबाइल में वो भी मैंने डिलीट कर दिया to stop all this. तो उसके बाद सब कुछ खत्म हुआ और मेरे दिमाग में से वही आज भी चल रहा है कि what happened, ये क्या हो रहा है. YouTube का YouTube में अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं और उसका नाम लेके ऐसा स्कैम, एक्चुअली वी नेवर थॉट कि ऐसा भी हो सकता है स्कैम का कुछ एक तरीका. तो दैट वॉज वही हमें मुझे बहुत ज़्यादा शॉक में डाल दिया कि ऐसा भी हो सकता है, तो चलो हो रहा है अभी ये ऐसा भी स्कैम हो रहा है.
और जो आई एम वेरी सॉरी मिस्टर विकास दयाल, आपका नाम मुझे लेना पड़ा इस जगह पे बार बार, क्योंकि मैं आपका चैनल ही फॉलो करती हूँ, आपको ही हमने मैसेज किया और आपके वहां से ही रिप्लाई आया। तो और पर वो अलग बात है कि वो जो लोगो मैंने बाद में वो नोटिस किया, द लोगो इज डिफरेंट, बट अगर मैं माइनटली वो फॉलो नहीं करता और कर देता तो ये शायद बहुत बड़ी एक गलती हो जाती मेरे लिए कि मैं आपका नाम लेके मैंने कर दिया वो चीज। पर मैंने आपका नाम लिया और एक्चुअली मैं जेन्युइनली आपका नाम नहीं लेना चाहता था, पर एज आई टोल्ड दैट मैं वहां पर आपका पेज में ही मैंने मैसेज किया था, तो इसलिए वहां से जब आया तो फर्स्ट आई थॉट के इट वॉज जेन्युइन, ये ठीक ही है, चलिए आप मुझे क्या, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आपने हम लोगों के साथ ऐसे हम्बली बात किया सब कुछ। पर आफ्टर वी अंडरस्टैंड दैट ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए मुझे आपका नाम लेना पड़ा और करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके ये जो मैंने वीडियो किया, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ आपको कि देखिए ये जो हो रहा है ना, दिस इज एक्चुअली नॉट फेयर। ये आपको भी बहुत दिन से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपका नाम लेके अगर कोई ऐसा करे तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग स्कैम। ये हो सकता है और ये हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि ये हो रहा है, तो यू शुड बी अवेयर ऑन इट कि आपको देखना चाहिए कि आपके नाम लेके क्या हो रहा है। आपका पेज में से कोई किसी एक व्यूअर को चूज कर रहा है और उसको टेलीग्राम करके आपका नाम लेके कर रहा है, तो ये डेफिनेटली ये नया तरीका का स्कैम है, तो यू शुड अवेयर ऑन दैट कि आपका नाम भी खराब होगा। यू आर नाउ वेरी पॉपुलर ऑन अ यूट्यूब चैनल, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आपका नाम खराब हो या आपका चैनल बंद हो, क्योंकि यू आर अ कार लवर एंड यू आर ऑल्सो वेरी कार लवर, तो मैं नहीं चाहती कि ये आपका भी कुछ हो प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो किया कि नया तरीका का जो स्कैम है इसको भी मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये स्कैम कैसे हो रहा है, क्यों हुआ और कैसे हुआ, और आपका नाम लेके हुआ इसलिए मैं आपका नाम बार बार ले, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। So this is definitely a learning lesson for me as well as my viewers. My viewers मतलब मेरा जो channel देख रहा है अभी, और Mr. Dayal आप भी शायद देख रहे हैं, तो this is a really a learning lesson to all the viewers and my friends that, and I think it will help you all the guys means your scam से बचने के लिए, तो बी अवेयर ऑफ दैट के ऐसे स्कैम अगर हो रहा है और हो भी सकता है आपके साथ, तो इससे आप सतर्क रहिए, क्योंकि अगर आपके साथ हो और आप कुछ सोच समझ के अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। एंड अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और विकास से जो बोलते हैं, टिल देन प्लीज़।